ભુજના ટાઉનલ ખાતે સામાજિક અધિકારિતા શિબિર તેમજ નિઃશુલ્ક સાધન સહાય વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી શ્રી કૃષ્ણપાલ ગુર્જર વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખાસ કરીને આજે આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી કૃષ્ણપાલસિંહની સાથે સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડા, ધારાસભ્ય ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ શ્રી કૌશલાબેન માધાપરિયા, શ્રી અશોકભાઈ હાથી, જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી રમ્યા મોહન, ડીડીઓ શ્રી સીજે પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખાસ કરીને વર્તમાન સરકાર દ્વારા બજેટમાં ખાસ દિવ્યાંગો માટે રકમ ફાળવીને તેમને ઉપયોગી થવા પહેલ કરવામાં આવી હોવાનું જણાવ્યું હતું. દેશભરમાં દિવ્યાંગો માટે 5,000થી વધુ કેમ્પો યોજવામાં આવ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. કચ્છના યુવા સાંસદ શ્રી વિનોદભાઈ ચાવડાએ વર્તમાન સરકાર દ્વારા દિવ્યાંગો માટેની અનેકવિધ યોજનાઓ અમલી બનાવી હોવાનું જણાવીને દિવ્યાંગોને શિક્ષણ, આરોગ્ય માટેની તમામ પ્રકારની મદદ કરાશે તેમ જણાવ્યું હતું. वो पैसा पिछली सरकारें खर्ची नहीं कर पाती, इसलिए अपने नाम के बजट में दिव्यांगों के पैसे में कटौती कर दी जाती है. किसी विभाग में अगर पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे तो अगले साल में बजट में कटौती कर दी जाती है. लेकिन जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, माननीय थावरचंद गहलोत जी ने इस विभाग की बात को सौंपी है, उन्होंने इस विभाग को जीवन और सक्रिय किया है. सिर्फ मिला हुआ पैसा खर्च नहीं होगा, जितना भी पैसा दिव्यांगों के लिए आता है पिछले 3 सालों में वो 6 महीने में हम खर्च कर देते हैं और बाकी पैसा दोबारा भारत सरकार से और मांगते हैं. लगातार बजट बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये सब मीडिया से होता है. अगर सरकारों की नीयत दिव्यांगों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अगर नीयत ठीक होगी तो नीतियां भी बनेंगी और पैसा भी सकता. आदरणीय मोदी जी की सरकार जब से आई है उन्होंने अच्छी नीयत से दिव्यांगों के लिए काम करना शुरू किया है. मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 3 सालों में हमने अगर छोटे बड़े कैंप लगाए तो 5,000 से अधिक कैंप पूरे देश में लगाए. पिछले 3 सालों में अगर 1,000 से ज्यादा संख्या में कैंप लगाए तो आज ये 268वीं लोकसभा का और लगभग 8 लाख दिव्यांगों को, लाभार्थियों को हमने उनकी जरूरत के हिसाब से यंत्र उपकरण बांटने का इन 3 सालों का दिव्यांगों के प्रति आदरणीय मोदी जी के मन में कैसी पीड़ा है ये बात से भी दर्शता है, दिखता है कि पिछले साल 17 सितंबर को 2016 को आदरणीय मोदी जी ने अपना जन्मदिन नौशाली में दिव्यांगों के कैंप में आके मनाया था. आपको याद 50 से अधिक दिव्यांगों को वहां पर उनकी जरूरत के हिसाब से यंत्र उपकरण बांटने का काम किया. अब आपके सामने आदरणीय मोदी जी की सरकार आने के बाद क्या क्या दिव्यांगों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई है उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं. क्योंकि जो नई योजनाएं शुरू की है उसका लाभ हर दिव्यांग को मिले, दूसरा जो गांव में बैठा उसको भी मिले, उसको भी उनकी जानकारी हो, उनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा.